Greetings all, welcome back to Raj Malhotra's IAS और आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपनी विज्ञान सीरीज। मेरा नाम जानशे सिंह पड्डा है और ये सीरीज आपके सीएससी प्रीलिम्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए बनाई गई है। अगर आपको पिछली वीडियो पसंद आई थी और ये वाली भी देख के अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया शुड लीड फाइट अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का टॉपिक है या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे, ये यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। काफी सालों से ये न्यूज में रहा है और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ये जो वेटरन लोग हैं उनको तो ये पता ही होगा, पर जो नए लोग हैं जो जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है यूपीएससी के लिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जानना पड़ेगा ये इसके मल्टीपल फैसेट्स क्या हैं, क्योंकि अगर ये प्री में नहीं आया तो मेंस में आने के तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आज हम कवर करेंगे कि एमडीआर पैथोजेंस होते कौन से हैं या क्या होते हैं, एमडीआर का मतलब क्या है, एमडीआर बनता कैसे है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया एमडीआर या एक नॉर्मल माइक्रोब एमडीआर माइक्रोब के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर ग्लोबल कंसर्न कि WHO और इंडिया की जो गवर्नमेंट है क्यों इसके पीछे पड़ी है, क्या डर क्या है हमारे को, क्या हमारे को इससे कोई खतरा है या नहीं। एमडीआर दुनिया में एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ, और इसके साथ जो भी हो रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एमडीआर पैथोजेंस के और हम फिर बात करेंगे कि एमडीआर से बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उनमें एक स्टेप जो या एक थेरेपी जो हम सोच रहे हैं वो है बैक्टीरियोफेजेस, और एंड में हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है एमडीआर की तरफ, कि हम हमारी गवर्नमेंट एमडीआर को टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है या ले चुकी है। तो लेट्स बिगिन। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये होता क्या है? कुछ माइक्रोबियल स्पीशीज के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब जो हमारी मीडिया है उन्होंने इन्हीं बग्स को या फिर इन्हीं माइक्रोब्स जिनके अंदर ये रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है उन्हें सुपर बग्स का नाम दे दिया। तो सुपर बग्स क्या होते हैं? ऑल केपेबल इन्फेक्टिंग एजेंट्स, सारे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट, जिन्होंने मल्टीपल ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, और इसकी वजह से जब ये किसी को इन्फेक्ट करते हैं तो मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी बढ़ चुकी है। मॉर्बिडिटी क्या होती है? ये कितने लोगों को कितनी जल्दी इन्फेक्ट करते हैं, और मॉर्टैलिटी क्या होती है कि डिजीज की वजह से मौतें कितनी होती है। तो इनके अंदर फर्क आपको पता होना चाहिए। अब एंटीबायोटिक होता क्या है? देखो, एंटीबायोटिक एक ड्रग है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम इन्फेक्टेड लोगों को देते हैं उनके अंदर के इन्फेक्टिंग एजेंट को मारने के लिए। अब एंटीबायोटिक किसी भी एंटीमाइक्रोब के खिलाफ दिया जा सकता है, पर यूजली हम बैक्टीरिया के खिलाफ ही एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ काम कैसे करते हैं? तो तीन तरीके हैं, देर आर थ्री वेज दैट एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। एक है वो मेटाबॉलिक पैथवेज को बंद कर देते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी, डीएनए का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस करने से रोकते हैं, तो इस तरह से वो बैक्टीरिया को मारते हैं। दूसरा तरीका है सिर्फ बैक्टीरिया, सिर्फ डीएनए नहीं, इसके अंदर और भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स हो गए बैक्टीरिया के अंदर या राइबोसोम मॉलिक्यूल्स हो गए, वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं उनको रोकने के लिए। ऐसे ही डीएनए आरएनए सिंथेसिस, कुछ बैक्टीरिया के अंदर आरएनए होता है, कुछ के अंदर डीएनए होता है, तो एक तो है डीएनए का प्रोटीन बनने से रोक दिया और एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने से रोक दिया, एक है कि डीएनए को ही बनने से रोक दिया, न्यूक्लियस के साथ इंटरफेयर किया, वहां पे डीएनए बनने से ही रोक दिया ताकि बैक्टीरिया अपने आप को क्लोन ना कर पाए। और तीसरा तरीका है सेल मेम्ब्रेन को खराब कर देना। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के आसपास एक बाउंड्री होती है पतली सी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स उस सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया मर जाए।
या फिर अगर सेल वॉल एग्जिस्ट करती है पैथोजन के अंदर तो सेल वॉल की ब्रेक डाउन करते हैं एंटीबायोटिक्स. तो दैट इज हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क. इसके बाद हम देखते हैं कि एमडीआर पैदा कैसे होता है. एक सीधा साधा बैक्टीरिया एकदम से एमडीआर बैक्टीरिया कैसे बन जाता है. तो देखो बैक्टीरिया की भी पॉपुलेशन होती है बहुत बड़ी. उनके अंदर थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन बनी होती है. एवोल्यूशन की वजह से कुछ बैक्टीरिया म्यूटेटेड होते हैं. वो म्यूटेशन उनको रेजिस्टेंस देती है नेचुरल रेजिस्टेंस देती है बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल्स की तरफ या एंटीबायोटिक्स की तरफ. उसकी वजह से ये नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए ये नेचुरली मरते नहीं है एंटी माइक्रोबियल के एक्शन से. और फिर ये आगे क्लोन होते हैं तो एक बैक्टीरिया से दो दो से चार चार से 16 ऐसे करके एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहते हैं और वापस डिजीज आ जाती है ह्यूमन के अंदर. या फिर जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ जो एंटी माइक्रोबियल हमने उसे दिया या एंटीबायोटिक हमने पेशेंट को दिया उसकी वजह से एंटीबायोटिक जैसे हमने पीछे बात करी कि वो प्रोटीन्स बनने में रोकता है. तो ये जो बैक्टीरिया है वो जिस प्रोटीन को एंटीबायोटिक बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक काम नहीं करता. और ये स्पेशली तब काम नहीं करता जब जैसे आपको अगर आपको डॉक्टर ने बोल रखा है कि भाई सुबह शाम दवाई लेनी है पर आप सुबह लेते हो और शाम को भूल जाते हो तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक का एक्शन उतना नहीं रह पाता इसलिए बैक्टीरिया इम्यूनिटी खा जाता है. इम्यूनिटी बन जाती है उसकी उसकी प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है कि अब एंटीबायोटिक उसे नहीं मार पाएगा. और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये करते हैं बैक्टीरिया वो है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. अब हमारे साथ क्या होता है ह्यूमंस के अंदर क्या होता है हमारे दो पेरेंट्स हैं उनकी जीन्स कंबाइन करती हैं और फिर हमारे अंदर उनकी जीन्स पैदा होती हैं. तो इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर. दिस इज वर्टिकल. अब जो बैक्टीरिया है जैसे कुछ बैक्टीरिया है जिनकी नेचुरल म्यूटेशन थी तो उनकी जो जीन्स उनको नेचुरली म्यूटेशन नेचुरल रेजिस्टेंस दे रही हैं प्रोवाइड कर रही हैं ये जीन्स वो बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर कर सकता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. तो ये तीन तरीके हैं जिनसे बैक्टीरिया एमडीआर बन जाते हैं एमडीआर बैक्टीरिया बन जाते हैं या एएमआर बैक्टीरिया बन जाते हैं. एक है नेचुरली रेजिस्टेंट है म्यूटेशन की वजह से और फिर उन्होंने वो म्यूटेटेड जीन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से दूसरे बैक्टीरिया को दे दी अपने ही कैटेगरी के दूसरे बैक्टीरिया को दे दी. और तीसरा है कि जब हम डोज ठीक से नहीं लेते तो एंटीबायोटिक का जो एक्शन होता है वो उतना तकड़ा नहीं रहता. तो ये ग्लोबल कंसर्न क्यों है. इंडिया WHO यूनाइटेड नेशंस बाकी के देश इसके बारे में कंसर्न क्यों है. ये देखो एक जगह जो ये एमडीआर बैक्टीरिया बन रहा है वो धीरे धीरे स्प्रेड करता है और हमारी जो दुनिया है वो हाइपर कनेक्टेड है. देखो आप कहीं पे भी फ्लाई करके जा सकते हो शिप्स घूमती रहती हैं देशों के बीच में क्योंकि हमारा हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है. इसकी वजह से ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैलते हैं और ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे जिसकी वजह से मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएंगे. आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रहना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा महंगी ज़्यादा तकड़ी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी उसकी वजह से आपकी मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाएंगे. और लास्टली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर भी जो हम अचीव करना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको अचीव करने में ये हमारे को रोक सकते हैं. तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं हेल्थ को रिलेटेड वो है SDG 3 हेल्थ फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस. इस SDG के अंदर 13 और सब टारगेट्स हैं. कुछ सब टारगेट्स जो हम SDG 3 के नीचे लाना चाहते हैं वो क्या हैं कि हम मटर्नल मोर्टैलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं. देखो जब एक वुमन बेबी को बर्थ देती है हॉस्पिटल के अंदर तो हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो बर्थ दिया जाएगा वो साफ सुथरा होना चाहिए. और जो बेबी रिसेंटली बॉर्न है न्यू बॉर्न है उसकी इम्यूनिटी इतनी तकड़ी भी नहीं होगी तो अगर तभी कोई बैक्टीरिया उस बेबी को इन्फेक्ट कर दे तो उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. और सर्जरी के टाइम पे अगर कोई बैक्टीरिया जो औरत हैं उसको इन्फेक्ट कर दे तो उनकी भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं उनको कोई डिजीज हो सकती है. और स्पेशली अगर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हुआ तो और भी दिक्कत की बात है. तो इसलिए मटर्नल मोर्टैलिटी रिड्यूस करने में
ये बैक्टीरिया हमारा बहुत काम खराब करेंगे, ये जो माइक्रोब्स हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हर्डल बनेंगे। ऐसे ही आपका एक और टारगेट है नियोनेटल एंड चाइल्ड मोर्टैलिटी, कि वही जो बच्चे पैदा हुए हैं या जो बच्चे जैसे अंडर 5 ईयर्स एज के हैं उनको मरने से बचाना है, तो उनको भी डिजीज ना हो तो ही वो जिंदा रह पाएंगे। इन्फेक्शियस डिजीजेस को रिड्यूस करना है, जैसे कि एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया है, इन सबको हमने रिड्यूस करना है। अब अगर इनके अंदर MDR पैदा हो जाए, अगर एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया के अंदर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आ जाए तो उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसके अलावा 3.4 है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। हाँ, उसके अंदर MDR का कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। फिर हम सब्सटेंस अब्यूज को रिड्यूस करना चाहते हैं, रोड ट्रैफिक को रिड्यूस करना चाहते हैं, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब देखो, अगर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो जैसे क्रैब्स हो गया आपके या फिर मेनिनजाइटिस हो गया, तो इनके अंदर भी अगर MDR पैदा हो गया तो फिर हमारे लिए उतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना चाहते हैं और इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखना चाहते हैं। तो एक कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो सब टारगेट्स मेन वाले जो हैं SDG 3 के नीचे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेट कैसे हो रहा है, कि MDR के कॉजेज क्या हैं। तो ये WHO बताता है कि WHO ने बताया है कि भाई दुनिया के अंदर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ क्यों रही है। पहला है मिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। ये बहुत जरूरी बात है, मिसयूज एंड ओवरयूज। देखो, आपने देखा होगा कि आप फार्मासिस्ट के पास जाओ तो वो ऐसे ही आपको ड्रग्स पकड़ा देते हैं बिना डॉक्टर की स्लिप के। तो उसकी वजह से लोग कुछ भी हो, छोटे से छोटी बीमारी हो तो भी एंटीमाइक्रोबियल खाने लग पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मिसयूज और ओवरयूज हो रहा है। और आपकी जो कॉमन ये बैक्टीरिया हैं, कॉमन जो वायरसेस हैं, कॉमन जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, उनके अंदर भी MDR बढ़ने लगा। दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया था कि पीपल विद वायरल इन्फेक्शंस डू नॉट फॉलो मेडिकल एडवाइस, कि आपको अगर बोला है कि भाई सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम मेडिसिन लेनी है, आप सुबह ले लेते हो और रात को ले लेते हो, दोपहर को भूल जाते हो, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाती। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जितना एंटीबायोटिक की वॉल्यूम होनी चाहिए वो डिजीज को कॉम्बैट करने के लिए उतनी होती नहीं है, और फिर वो जो बैक्टीरिया या पैथोजन है उसके अंदर MDR प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हम एनिमल्स के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर एंटीबायोटिक्स उन्हें देते रहते हैं, या तो उनको हेल्दी रखने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, या उनको डिजीजेस रोकने के लिए। अब आप इतने सारे एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को देते रहोगे, वही बात होगी, मिसयूज एंड ओवरयूज करोगे तो उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं या फिर जो पैथोजेंस हैं उनके अंदर MDR डेवलप हो जाएगा, और फिर जब हम इन एनिमल्स को खाएंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और हमारे को भी बीमारी हो जाएगी। और लास्ट, WHO के हिसाब से जो रीज़न है एक्सेलरेशन का वो है पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, सैनिटरी कंडीशंस। देखो, हम अपने हाथ नहीं धोते टॉयलेट जाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले, और हमारी जो सुविध सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, कवर्ड नहीं हैं, उनको ठीक से साफ नहीं किया जाता। और हमारी कंट्री के अंदर आप जानती हो कि ओपन में हम टॉयलेट जाते हैं, है ना, हम टॉयलेट्स का नहीं यूज़ करते, हम फील्ड्स वगैरह में जाके टॉयलेट करते हैं, तो वो भी एक बहुत सैनिटरी कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसके बाद हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं माइक्रोब्स के, जो जिनके अंदर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस देखा गया। तो पहला जो है वो है क्लेबिसेला न्यूमोनिया। तो इसकी वजह से ये वाला बैक्टीरिया है जिसकी वजह से न्यूमोनिया नाम की बीमारी होती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी थी पहले, ठीक है, ये आराम से ठीक हो जाती थी, पर अब हमारे को कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं इसको ठीक करने के लिए। और कार्बापेनम जो एंटीबायोटिक्स हैं ये काफ़ी तकड़े एंटीबायोटिक्स हैं, ये सेकेंड या थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये बढ़ रहा है, और इसका शिकार सबसे ज़्यादा जो न्यूबॉर्न्स होते हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो पेशेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा निमोनिया के शिकार होते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि रिसेंटली ये बहुत खबर फैली थी कि राजस्थान में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे बहुत सारे नए पैदा हुए बच्चे, न्यूनेटल्स,
उनकी बहुत सारों की मौत हो गई थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बैक्टीरिया है, जैसे निमोनिया का बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा नियोनेटल की मौत में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर एमडीआर पैदा हो गया, इसलिए भी ऐसा हुआ हो सकता है वहां पे। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत बुरी चीज है, ये हमारे सोसाइटी को और हमारी पॉपुलेशन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। फिर हम बात करते हैं ई कोलाई की, एस्चेरिया कोलाई, वो ये वाला है। दिस इज द एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। एस्चेरिया कोलाई जो है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है, और इसके अंदर भी एमडीआर पैदा होता हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा तकड़े एंटीबायोटिक्स इसके खिलाफ यूज करने पड़े। फिर ट्यूबरक्यूलोसिस, आपको पता है ट्यूबरक्यूलोसिस भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो ये वाला जो है, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये ट्यूबरक्यूलोसिस के हैं, जिनको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये लंग्स को अटैक करते हैं और कुछ और बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी अटैक करते हैं। अब टीबी के अंदर सिर्फ एमडीआर ही नहीं, बल्कि हमारे को एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस भी देखने लगी है, या फिर एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट एमडीआर बैक्टीरिया भी हमारे को दिखने लगे हैं। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, XDR, XDR टीबी वायरस हमारे को दिखने लगे हैं। अब XDR टीबी वायरस क्या होते हैं? ये वो वायरस, ये सॉरी XDR बैक्टीरिया जो हैं, पैथोजेंस जो हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के, वो हैं जो आइसोनियाजिड एंड रिम्फापिन, ये दो कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स हैं, उनके खिलाफ ये जो टीबी का वायरस है, ये सॉरी टीबी का जो बैक्टीरिया है, मैं बार बार वायरस बोल रहा हूँ, टीबी का जो बैक्टीरिया है ये आइसोनियाजिड एंड रिफएम्पिन, इन दोनों एंटी माइक्रोबियल्स के खिलाफ भी रेजिस्टेंस दिखाता है। इसके अलावा XDR का डेफिनेशन में क्या आता है कि अगर वो एटलीस्ट वन ऑफ थ्री इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स के खिलाफ अगर कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब रेजिस्टेंस दिखाए, तो उसे एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन बोला जाता है, अगर वो वन ऑफ थ्री इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा सके, और वो हमारे को टीबी के अंदर, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर दिख रहा है। इसके अलावा मलेरिया कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, दो तीन तरह के प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करते हैं, पर ये वाला जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, इसके अंदर हमारे को रेजिस्टेंस दिखने लगी है एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग्स, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग्स के खिलाफ है तो एमडीआर है, इसके अंदर अभी एक्सडीआर नहीं हुआ है, एक्सडीआर अभी सिर्फ टीबी को लेके हुआ है, सिर्फ टीबी के अंदर सेकेंड लाइन ड्रग्स के खिलाफ हमारे को दिख रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन मलेरिया के अंदर हमारे को फर्स्ट लाइन ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस दिख रहा है। और ये हमें कहाँ दिखता है? जो ग्रेटर मीकॉन्ग सब रीजन है वहां हमारे को ये रिपोर्ट्स मिली है। ग्रेटर मीकॉन्ग सब रीजन में कौन कौन से देश आते हैं? कैम्बोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओ, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। मतलब कि हमारे नेबरहुड में जितने स्टेट्स हैं, जितने नेशंस हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि मलेरिया के अंदर भी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आ गया है, तो इंडिया तक फैल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इन एमडीआर और एक्सडीआर जो माइक्रोब्स हैं, इनके खिलाफ लड़ने के लिए हम किस किस चीज को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बेसिकली एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उन्हें मार डालता है। ये जो बैक्टीरियोफेज की थेरेपी है, ये यूएसएसआर में सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च हुई थी, पर जब यूएसएसआर टूट गया और रशिया के अंदर कन्वर्ट हो गया, तब ये जो रिसर्च है ये खत्म हो गई थी, और हम वेस्टर्न रिसर्च के ऊपर बेस्ड अपने ट्रीटमेंट को यूज करते थे, और वेस्टर्न जो ट्रीटमेंट थी वो एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन के ऊपर बेस्ड थी। पर अब क्योंकि एमडीआर आ चुका है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस आ चुकी है और एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस भी आ गई है, तो इस रिसर्च के अंदर हम वापस थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं साइंटिस्ट। तो ये आप देख सकते हो, एक बैक्टीरियोफेज है, एक वायरस है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये उसका हेड है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, कॉलर उसकी, ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर ये लेग्स लगी हुई है, लेग्स के साथ यहाँ पे जो टेल है उसके ऊपर कुछ फाइबर्स या स्पाइक्स भी हैं। तो
तो बैक्टीरियोफेज ऐसे दिखते हैं, ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उन्हें मार देते हैं, और ये बहुत ज्यादा है नेचर के अंदर। बैक्टीरियोफेजेस भरे पड़े हैं, हर जगह हैं, आपकी स्किन के ऊपर भी अभी बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियम से जाके अटैच होता है, उसके अंदर अपना ये जो जेनेटिक मटेरियल है उस बैक्टीरिया के अंदर घुसेड़ देता है, और फिर वो बैक्टीरिया की जो सेल मशीनरी है, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, उन सबको यूज करके और फेजेस प्रोड्यूस करता है। और फिर जब बैक्टीरिया मर जाता है तो इसके अंदर से बहुत सारे और फेजेस निकलते हैं जो आगे जाके और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उन्हें मार डालेंगे। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम भी कि साइंटिस्ट यही सोच रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियोफेजेस को इकट्ठा किया जाए जो कि टीबी का शिकार करें या फिर मलेरिया का शिकार करें, और उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, जिससे कि इन्फेक्टेड पेशेंट क्या आ, आ, कहते हैं ट्रीटमेंट हो सके। अब आप सोचोगे यार, बैक्टीरिया जो है अगर उसने एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस कर लिया तो फिर बैक्टीरियोफेज के खिलाफ भी तो रेजिस्टेंस कर ही लेगा ना कुछ नेचुरल म्यूटेशन होंगे जो कर लेंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बैक्टीरियोफेजेस के खिलाफ भी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डिवेलप कर सकते हैं, पर इनकी एवोल्यूशन ऐसे काम करती है कि या तो ये बैक्टीरियोफेज के खिलाफ रेजिस्टेंस डिवेलप करेंगे या फिर ये एंटीबायोटिक्स, दोनों के खिलाफ एक साथ रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। तो हम बैक्टीरिया को फंसा सकते हैं ना कि यार अगर तो इसने अगर बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस डिवेलप कर दी तो फिर हम बैक्टीरियोफेज को भेजेंगे, और अगर बैक्टीरियोफेज के खिलाफ रेजिस्टेंस कर ली तो फिर हम एंटीबायोटिक्स भेज देंगे। तो हम इस जो प्रॉब्लम है, ये जो इश्यू इकट्ठा हुआ है या फिर ये जो नया इश्यू दुनिया के खिलाफ आया है उसका सोल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं। और एज ऑलवेज जो ह्यूमंस की इंजेन्युइटी है वो उन्हें नेचर के ऊपर विक्ट्री दिलाएगी। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है इस ग्रोइंग थ्रेट के खिलाफ जो है एमडीआर या एएमआर? तो इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बनाया इन 2017। जैसा मैंने कहा, ये बहुत पुराना इशू है, काफी देर से चल रहा है और ये चलता रहेगा, इसलिए यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ये 6 चीजों के ऊपर फोकस करता है। पहला है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझाना पड़ेगा कि यार एंटीबायोटिक्स को आप मिसयूज या ओवरयूज नहीं कर सकते, और जैसा आपको डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से ही एंटीबायोटिक्स को यूज करना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी और डॉक्टर्स को बोला जाएगा यार कम से कम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया करो, और लोगों को भी बताया जाएगा कि भाई एंटीबायोटिक्स का मिसयूज मत करो। स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड एविडेंस थ्रू सर्वेलेंस, हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई डिजीज फैलनी शुरू करे, जैसे टीबी फैलना शुरू किया या फिर मलेरिया फैलना शुरू किया, तो जल्द से जल्द हमें पता लगे कि ये कहाँ फैल रहा है ताकि हम उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन ले सकें और उसे कंट्रोल कर सकें। आपको याद होगा कि केरला में भी एक वायरस फैलना शुरू हुआ था और केरला की जो स्टेट मशीनरी थी उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया था और उसको कंटेन कर लिया था। ऐसे ही हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना चाहते हैं। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो आप बहुत सब लोग जानते ही होंगे। तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता हो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, और अगर गलती से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए ताकि उस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं जो लाइव स्टॉक को रियर करते हैं वो एंटी माइक्रोबियल्स का ओवर यूज ना करें, क्योंकि उसकी वजह से WHO ने कहा था कि भाई एमडीआर या एएमआर फैलता है। एंड लास्टली, हम एएमआर रिलेटेड रिसर्च और इनोवेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दुनिया के अंदर वो रिसर्च करें और नए इनोवेशन और नए ड्रग्स बनाएं जो एमडीआर के बैक्टीरिया को भी मार सके, और ऐसा किया भी जा रहा था, बल्कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं। और जिस आर्टिकल से इंस्पायर्ड है ये स्लाइड शो, उसके अंदर यही लिखा था कि यार जितनी कंपनीज हैं, जैसे US की कुछ कंपनीज हैं, उन्होंने रिसर्च एंड इनोवेशन किया 5 साल तक, और फिर उन्होंने एक ड्रग बनाया
जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैथोजन को मार सकता है। पर ये जब इन्होंने बनाया और मार्केट में गए तो ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो इंडिया की जो कंपनी है, जैसे एग्जाम्पल है सिप्ला, उन्होंने जाके इस यूएस की कंपनी को खरीद लिया और अब इन्होंने जो रिसर्च करी थी उस ड्रग को ये बना के बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फिलिप भी मिल रहा है और हम नाम भी कमा रहे हैं। और आर्टिकल यही कह रहा था कि बाकी की जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए। अगर कोई कंपनी फेल कर रही है जिन्होंने प्रोडक्ट डिवेलप कर लिया है रिसर्च के बाद, तो उन्हें टेक ओवर कर लेना चाहिए, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा इंडिया का और इंडिया का नाम भी बनेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वी विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो। इसके अलावा आपकी सरकार ने एक रेड लाइन कैंपेन शुरू करी थी 2016 के अंदर। रेड लाइन कैंपेन क्या थी कि जितने भी एंटीबायोटिक ड्रग्स थे उनके पीछे ऐसे एक रेड लाइन बनी हुई थी, जिसका मोटिव ये था कि लोग अगर देखें वो पत्ते को, दवाई के पत्ते को, और वहां पे रेड लाइन हो तो सतर्क हो जाए कि भाई इस दवाई को बड़े अच्छी तरह से यूज करना है, इसका मिसयूज नहीं करना है, इसका ओवरयूज नहीं करना, और जैसे डॉक्टर ने बोला था उस हिसाब से इसको सुबह शाम या सुबह दोपहर और शाम को लेना है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी की तरफ से यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा 2019 में इसको लेके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है प्री के अंदर, वो हम देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। तो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉनिक डिजीजेस इन सम पीपल। ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जरा वीडियो को पॉज कर लो और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये आप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, तो इलिमिनेशन मेथड लगा के आप आंसर देखिएगा। तो फाइनली जो आंसर इसका है वो था ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।